No. जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर है फैक्ट जोन टीवी के एक और फनी वीडियो के साथ, जिसमें हम आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ऐसे नमूनों को दिखाएंगे जिनकी करतूत देख आप हंसने को मजबूर हो जाएंगे। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिले इस मोहतरमा से, जो भैया क्लास में पहुँचते ही पास में रखे इस बैग से अपने डेस्क को साफ करके रख देती है, और इनकी ये सारी करतूत वो लड़का देख लेता है जिसका ये बैग है। जिसके बाद तो भाई साहब इस लड़के ने जो किया उसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नो। मतलब यार मुझे नहीं लगता कि ये मोहतरमा दोबारा इस लड़के से कभी सपने में भी पंगा लेंगी। अब भाई इसके बाद एक नरिश क्लिप को भी देखो, जिसमें कुछ लोग इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए रस्सी से बांधकर क्रेन द्वारा उठा रहे थे ताकि ये मूर्ति को सही जगह स्थापित कर सके। पर भैया जैसे इन लोगों ने मूर्ति को हवा में लटकाया कि तभी मूर्ति का गर्दन ही उखड़ गया। नो। मतलब भैया इन लोगों ने इस महापुरुष के मूर्ति को स्थापित करने की जगह फांसी पर लटका डाला। अब भाई इसके बाद नंबर आता है इन परियों का, जो क्लास में बैठकर रोजाना खूब मस्ती किया करती थीं, जिससे परेशान होकर प्रिंसिपल ने सारे क्लास में कैमरा लगवा डाला ताकि इनके मस्ती को कंट्रोल किया जा सके। पर भैया इन परियों ने इसका भी तोड़ निकाल डाला। नो। मतलब यार इन परियों ने अपनी मस्ती को बरकरार रखने के लिए कैमरे को ही मास्क पहना डाले। अब भाई इस क्लिप में ये गाय इस पेड़ के बीच में फंसी हुई थी, जिसे देखकर ये दोनों बंदे इसको निकालने में जुट गए, और काफी मशक्कत के बाद जब ये दोनों कामयाब हुए तो ये गाय इनको कुछ इस अंदाज में शुक्रिया करके निकल गयी। मतलब यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ये बेचारे इसकी मदद कर रहे थे और इसने इन दोनों को ही दे पटका। अब भाई मिली इस मोहतरमा से, जो भैया ऑनलाइन लोगों को फल खाने का सही तरीका सिखा रही थी, जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नो। मतलब भैया इनका अमरूद खाने का तरीका देखकर तो यही लग रहा है कि लगता है इन्होंने इंसान की जगह जानवरों वाली ट्रेनिंग लेकर आई है। तो हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हाँ साथ ही ये कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वक्त किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यार अगर आपको अपने पार्टनर के साथ फोटो शूट करानी हो तो आप पक्का किसी अच्छी सी खूबसूरत और रोमांटिक जगह ही जाना पसंद करेंगे। लेकिन भैया एक बार आप जरा इस कपल को भी देखो, जो अपने प्री वेडिंग फोटो को इस कचरे में शूट करवा रहे हैं। नो। मतलब यार अपने जीवन की शुरुआत ऐसे कौन करता है। अब भाई इसके बाद मिली इस छोटे जनाब से, जब इनसे पूछा गया कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो तो भैया इन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज जिला घर है। पढ़ाई करता है? ऊपर देखो, ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में।
भैया इन्होंने आंगनबाड़ी का नाम ही बदल कर आड़ी बाड़ी कर डाला। अब भाई इसके बाद एक नर इस मोहतरमा को भी देखो, जो चॉकलेट खाने के साथ साथ रील्स पर ब्यूटी फिल्टर लगा कर लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी हुई थी। पर भैया इनकी ये खुशी इनके हस्बैंड को नहीं देखी गई, तो बस फिर क्या, उसने इनका असली चेहरा लोगों को दिखा दिया। Oh no! कहते हैं यार इन फिल्टर वाली लड़कियों से जरा बचकर ही रहना, वरना बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। अब यार आज तक तो आपने खाने का सिर्फ होम डिलीवरी ही देखे होंगे, पर भैया आज हम आपको खाने का ट्रेन डिलीवरी दिखाने वाले हैं। दरअसल यार जब इस ट्रेन ड्राइवर को अचानक से रास्ते में भूख लगी तो जनाब तुरंत ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिए, जिस वजह से इनको डिलीवरी लेने के लिए रास्ते में ही ट्रेन को रोकना पड़ा। नो 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 वाह क्या सीन है। अब भाई इसके बाद मिले इन आंटियों से, जो खुद को नंबर वन साबित करने के लिए बीच सड़क पर ही डांस करना शुरू कर दी। मतलब यार इस उम्र में नंबर वन हो भी जाओ तो क्या मिलने वाला है, खामखा लगी हुई है जी जान से। अब भाई मिली हमारे इस बाहुबली से, जो भैया इतनी बड़ी प्रतिमा को बिना किसी मदद के अकेले उठाने में जुट जाते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। नो 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 ओ नो। मतलब भैया ये अंकल तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की पोली खोल कर रख दिए। अब भाई मिलो इस टैलेंटेड परियों से, जो भैया कॉलेज के इस यूनिक कंपटीशन में भाग ले रही हैं, जहां इनको अपने हाथ को पीछे करके मुंह से इस केले को उठाकर वापस अपनी जगह जाना होता है। नो 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 भाई साहब इस कंपटीशन से स्टूडेंट को क्या फायदा हुआ ये तो पता नहीं, पर हाँ केला बेचने वाले का जबरदस्त फायदा हुआ। तो हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।